कौन है किस समय जोन के बाहर फर्स्ट एड लगाते हुए इस समय सर्वाइव करते हुए निकाल रहे हैं पॉइंट्स अपनी टीम के लिए, ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज अभी अभी उनकी टीम आ चुकी है टॉप थ्री में। यहाँ पे क्या क्रॉन्टन को आई कर पाएंगे विद दैट मीनिंग, क्या एक और किल निकाल पाएंगे, लेट्स सी। यस लकॉनिक ने यहाँ पे क्रॉन्टन को डाउन कर दिया, प्ले जोन ने उन्हें क्लेम कर लिया। को देख सकते हैं आप, यस कॉर्डल की टीम बैठी हुई है यहाँ पे स्लॉट नंबर थ्री में। एंड प्लेन पाथ जो हमारा है वो है यहाँ पे जॉर्जपोल सिटी अपार्टमेंट्स की तरफ से लेपोव का जाता हुआ ये प्लेन पाथ मार्कस गेम को छोड़ के एंड टीम्स जब कर चुके हैं टूवर्ड्स द ड्रॉप लोकेशन। पीछे से आती हुई व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन की आवाज, मैं जल्दी से कर दूँ उसको बंद, लेट्स गो राइट इनटू दिस मैच। गॉर्डल से क्रॉन्टन है यहाँ पे स्कूल एंड कोचिंग के बीच में, इन कंपाउंड्स पे उतर चुके हैं क्रॉन्टन यूएस लेके उनके टीम मेट एग्जिस्टेंस आ चुके हैं उनको पिकअप करने के लिए। लेट्स सी वे दे आर हेडेड टूवर्ड्स इन द बिगनिंग स्टेजेस ऑफ दिस मैच। गॉर्डल की टीम सेंटर ऑफ द मैप एंड पहला जोन हमारा बन चुका है यहाँ पे जॉर्जपोल सिटी, जॉर्जपोल कंटेनर्स अपार्टमेंट्स को लेके। यहाँ पे कोचिंग की सिटी भी जोन के अंदर है, प्रिमोस का थोड़ा सा एंड मिलिट्री ब्रिज जोन के अंदर दिखाई देता हुआ, देखते हैं कहां मूविंग अहेड। कॉर्डल इस समय लूट कर रहा है इनसाइड द सिटी ऑफ पोचिंकी, स्मोकी इस समय कारल पिकअप कर चुके हैं पोचिंकी के अंदर रोड के अदर साइड पे लूट करते हुए। क्रॉन्टन साउथ की तरफ वहां पे लूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहां पे आपकी स्क्रीन पे कॉर्डल के हस्तर एंड एग्जिस्टेंस यहां पे मिड पोचिंकी लूट करते हुए दिखाई देते हुए। मार्कोस गेमिंग ये स्प्लिट अपने रेगुलर ड्रॉप लोकेशंस इन द रेड जोन क्रॉस करते हुए, कॉर्डल जाते हुए एक फाइट के अंदर पावर हाउस के साथ, क्रॉन्टन यहां पे आपकी स्क्रीन पे एनडीपी चलाते हुए एग्जिस्टेंस ने पावर हाउस के ऊपर लिया एक नॉक, पावर हाउस वहां पे सामने उस कंपाउंड पे। गेम स्टार्टिंग में हमने इसी रेड बिल्डिंग के अंदर रौनक एंड उनके टीममेट को देखा था, यहाँ पे आईएनडी की टीम से यहाँ पे पावर हाउस के जबरो इस समय नॉक है, डार्क इस समय स्नाइपर आवर होल्ड करते हुए। गॉर्डल की टीम जानती है पावर हाउस एक स्ट्रॉन्ग टीम की प्रेजेंस इन द विसिनिटी, नॉक निकाला एग्जिस्टेंस यहाँ एंड यहाँ पे एग्जिस्टेंस के पास पहले एक डीपी मुझे दिख रही थी, अब एक एडब्ल्यूएम 4x के साथ आइकॉनिक को आई करते हुए विद दैट 4x ऑन एडब्ल्यूएम पर शॉट करते हुए वहां पे सामने से कोई डन सप्रेस जेडब्ल्यूएम चल रहे यहाँ पे आपके सामने, सप्रेस नहीं थी आई थिंक नॉर्मल थी। लेट्स सी रिवाइव होल्ड हो रखा है जबरा के ऊपर, पावर हाउस की टीम में यहाँ पे सामने आ रही की टीम नियर अबाउट मुझे दिखाई दे रही है, ओबे एंड काफी सारे टीम भी यहाँ पे नियर अबाउट आ चुके हैं। जस्ट पीछे यहाँ पे ओबे की टीम आ रखी है, पावर हाउस की टीम इन साइड वहाँ पे रेड हाउस के पास हमने गॉर्डल की टीम को देखा था, देखते हैं क्या कर रही है वहाँ पे गॉर्डल की टीम, गॉर्डल के एग्जिस्टेंस। इनफैक्ट गॉर्डल हस्तर एंड एग्जिस्टेंस आगे निकल चुके हैं यहाँ पे कैनाल एरिया के साउथ की तरफ आ चुके हैं यहाँ पे गॉर्डल के हस्तर एंड एग्जिस्टेंस इस समय आपकी स्क्रीन पे। सेवन सीज के ट्रिगर इस समय एलिमेंट्रिक्स के मिस्टर होजू को डाउन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे सेवन सीज की टीम है। एंड मीनवाइल गॉर्डल एंड पावर हाउस जा चुके हैं एक फाइट के अंदर, यहाँ पे एग्जिस्टेंस दिखाई देते हुए काफी देर से आसपास एंड नजदीक दिख रहे थे यहाँ पे गॉर्डल के प्लेयर सामने एंड वे इस पावर हाउस, पावर हाउस साथ थोड़ी सी दूर पे अभी भी उसी कंपाउंड पे जहाँ उन्होंने ओबे की टीम को किया था एलिमिनेट नोवा किंग। यहाँ पे स्कारल 6-6 के साथ शॉट से निकी करते हुए कोशिश थे, आर लुकिंग टू मेक सम डैमेज कनाल एरिया में, कनाल एरिया के नॉर्दर्न साइड में यहाँ पे चलती हुई फाइट। गॉर्डल तो बिल्कुल जोन के बीचों बीच इस कंपाउंड पे बैठी हुई है इस रोड पे, इस कंपाउंड्स में स्प्लिट में जहाँ पे अभी अभी वहाँ पे मार्कोस गेमिंग के दो प्लेयर्स को एलिमिनेट किया यहाँ पे सेवन सीज के प्लेयर्स ने रिजेस के ऊपर से लगातार वहाँ पे शॉट्स लगाते हुए है। गॉर्डल एग्जिस्टेंस का एक और नॉक मुझे दिखाई देता हुआ विथ एन AW यहाँ पे ऑन योर स्क्रीन एंड हर तरफ यहाँ पे गॉर्डल कल क्या ही गली थी, आज यहाँ पे फिर से टी नंबर 19 आई थिंक डेल्टा के PB को किया है उन्होंने नॉक, ही हैज अ कार 98 वहाँ पे वो भी स्नाइपर बैटल हुआ एंड गॉर्डल एक्सिस्टेंस प्रूव करते हुए अपने आप को विद दैट AWM। गॉर्डल के स्मोकी इस समय इस कंपाउंड पे यहाँ पे दो डासियां हैं, लेकिन US मुझे उनके पास ऑलरेडी दिखाई दे रही है एंड दे मस्ट बी कॉन्फिडेंट, कल एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया गॉर्डल की टीम ने यहाँ पे इस टूर्नामेंट के अंदर एंड सामने यहाँ पे पावर हाउस के प्लेयर्स मुझे दिखाई देते हुए एक ड्रॉप भी गिरा हुआ है इन दोनों के बीच में, देखते हैं क्या वो ड्रॉप लूटेड है। यहाँ पे एयर ड्रॉप नंबर 4 था ये एंड एक AWM पड़ी है इसके अंदर भी, आई थिंक एमो निकाल लिया उससे एंड एग्जिस्टेंस के पास और भी एमो होगी AWM 8x लग के साथ वहां पे डेल्टा PB को आई करते हुए। यहाँ पे क्रॉन्टन थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड से दिख रहे हैं मुझे वहाँ पे सामने, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे जोन के ऊपर हाइट के प्लेयर्स के प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस ने डेल्टा के PB को एक बार फिर से वहाँ पे AWM से नॉक कर दिया है। हाइट की टीम अभी जोन के ऊपर यहाँ पे पार्टिकल 7 की टीम रूइंस के साइड में अपनी प्रेजेंस फील कराती हुई, नाउ शॉट्स चल रहे हैं लगातार हाइट शॉट्स देते हुए यहाँ पे डेल्टा के मैडमैन को पिन करने की कोशिश कर रहे हैं के अंदर बैठी हुई थी गॉर्डल की टीम। मीनवाइल जाती हुई यहाँ पे एक फाइट के अंदर स्मोकी एलिमिनेट हो चुके हैं, यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑलरेडी 4 किल निकाल चुके AWM के साथ डैमेज देते हुए, हर तरफ हाइट की टीम वहाँ पे नीचे आ चुकी है
एनजी की टीम इस समय यहाँ पे सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रही है। गॉडल की चीज टीम के जस्ट ऊपर नॉर्थ की तरफ, डेल्टा के ड्रैगो एक जोन से बाहर है यहाँ पे इस समय एंड सेवन सी एलिमिनेट करते हुए विदाउट एग्जिस्टेंस। मीनवाइल वहाँ पे नॉक है हेल्प करने के लिए हस्तर जाते हुए गॉडल की इस टीम के प्लेयर को यहाँ पे। मीनवाइल आईएनडी कंट्रोल करते हुए ईस्टर्न साइड को काफी रीज की तरफ वहाँ पे आईएनडी की टीम फाइट लेते हुए दिखाई दे रही है। गॉडल क्रॉन्टन नहीं रुक रहे वहाँ पे किल फीड के अंदर लगातार क्रॉन्टन का नाम आता हुआ हस्तर इस समय आपकी स्क्रीन पे। क्रॉन्टन यहाँ पे कुछ नॉक्स निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन एग्जिस्टेंस के पास यहाँ पे पांच किल्स ऑलरेडी है इस टीम से एंड क्रॉन्टन को एक किल वहाँ पे कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे हाइप की टीम फर्दर ऊपर उनकी तरफ शॉट्स लिए जा रहे हैं। आईएनडी वहाँ पे लगातार नीचे डैमेज दे रही है किल फीड के अंदर आता हुआ उनका नाम आइकॉनिक यहाँ पे आते हुए आगे लगा रखी है उन्होंने अपनी बगी के साथ सम कवर प्लेयर्स रोटेशन में यहाँ पे गॉडल आईएनडी आइकॉनिक क्या ही चल रहा है इस समय। सेवन सीज के प्लेयर्स उनके अंदर आ चुके हैं। मार्कोस गेमिंग अभी भी डबल हाउसेस होल्ड करते हुए किल्स निकाल चुके हैं। स्नैक्स ऑलरेडी रूइंस में निकाले थे उन्होंने किल। मार्कोस गेमिंग शॉट्स देते हुए लगातार सेवन सीज के प्लेयर को गॉडल क्रॉन्टन वहाँ पे किल्स निकालते हुए यहाँ पे नेट के साथ कुछ किल्स निकाले स्मोक करके अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे गॉडल की टीम इस सर्किल के अंदर यहाँ पे छठा जोन बन चुका है। एक मिनट बचा है यहाँ पे क्लोज जोन में व्हीकल डैमेज करके कवर बनाते हुए इस समय क्रॉन्टन एक और डासिया है वहाँ पे सामने। हस्टर ने भी अपना व्हीकल डैमेज करके यहाँ पे वेस्टर्न साइड ऑफ द जोन कंप्लीटली गॉडल के नाम रहा है शुरू से एंड ईस्टर्न साइड यहाँ पे इस समय मार्कोस गेमिंग के पास है वहाँ पे आई लगातार किल्स लगाते हुए यहाँ पे देव प्लेइंग अमेजिंग। हाइड्रा फॉर रैगो भी डाउन है ब्लास्टिंग शॉट देते हुए हाउस एक पावर हाउस टीम की तरह उमर्ज करते हुए इस मैच के अंदर यहाँ पे आइकॉनिक सामने अभी भी सर्वाइव करते हुए नो वाले मार्कोस गेमिंग होल्ड कर रही थी यहाँ पे एंड गॉडल ने पूरी तरह डोमिनेट किया द वेस्टर्न साइड ऑफ द जोन। यहाँ पे एक और नॉक गजब नॉक यहाँ पे क्रॉन्टन का एंड विलन को भी स्पॉट कर सकते हैं वहां पे बट किल कंप्लीट करते हुए इस समय उन्होंने स्पॉट किया विलन को। एक मूव भी टच हुई वहां पे डैमेज होता है एंड शॉट लगाते हुए क्रॉन्टन इस समय आपकी स्क्रीन पे एक और किल निकालते हुए दिखाई देते हुए विलन को भी किया उन्होंने एलिमिनेट एंड रेकनिंग की टीम को कर दिया यहां से बाहर। गॉडल के क्रॉन्टन के पास दो किल्स और यहां पे छह किल्स कंप्लीट कर चुके हैं। उनके टीममेट एग्जिस्टेंस के पास ऑलरेडी पांच किल्स हैं बिल्कुल अलग ही रंग में। यहां पे आइकॉनिक इस समय जोन के बाहर फर्स्ट एड लगाते हुए इस समय सर्वाइव करते हुए निकाल रहे हैं पॉइंट्स अपनी टीम के लिए ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिकॉज अभी अभी उनकी टीम आ चुकी है टॉप थ्री में। यहाँ पे क्या क्रॉन्टन को आई कर पाएंगे विद दैट मीनिंग क्या एक और किल निकाल पाएंगे लेट्स सी। यस आइकॉनिक ने यहाँ पे क्रॉन्टन को डाउन कर दिया प्लेयर्स ने उन्हें क्लेम कर लिया जरूर। यहाँ पे देखते हैं क्या वो किल जाएगा वहाँ पे पावर हाउस के आइकॉनिक के पास। इस समय एक किल मुझे दिखाई दे रहा है आइकॉनिक के नाम पे। देखते हैं क्या यहाँ पे क्रॉन्टन एलिमिनेट होंगे। यस जोन नो बट वहाँ पे पार्टिकल सेवन के स्लेड ने वो किल निकाल लिया एंड एलिमिनेट कर दिया गॉडल की टीम को। यहाँ पे एग्जिस्टेंस जो आखिरी प्लेयर बचे थे उनको भी एलिमिनेट किया विद दैट M4 एंड पार्टिकल 7 का चिकन डिनर दिखता हुआ यहां पे एंड दे के अंदर गॉडल की टीम ने यहां पे एक शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। आई थिंक दे आर गोइंग टू टॉप द टेबल डिस्पाइट दे आर सेकंड इन द पोजीशनिंग पॉइंट्स। यहां पे 13 पॉइंट्स के साथ गॉडल की टीम इन है इस समय सेकंड पोजीशन में। 13 किल पॉइंट्स हैं उनके पास 13 किल्स निकाले उन्होंने।